नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2023 के लिए मिथुन राशि का राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थस्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थस्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल कुछ बिंदुओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बिंदुएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। स्वास्थ्य, घर परिवार, परीक्षा या प्रतियोगिता, नौकरी या व्यवसाय, धन संपत्ति, यात्रा, प्रवास या तबादला, धार्मिक कार्य या कोई उपाय। यदि आपका नाम का, की, छोटा कु, के, को, घ, अड़, छ अथवा हा से प्रारंभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातक हैं। और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2023 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल जानिए। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 के लिए मिथुन राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य, वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातक उदर विकार एवं एसिडिटी से परेशान रहेंगे। इसके अलावा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक किसी दुर्घटना की भी आशंका है। घर परिवार, वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातकों को घर परिवार से संबंधित सुखद समाचार रहेगा। घर परिवार में कोई उथल पुथल की आशंका नहीं है। इसके अलावा दूर गए व्यक्ति के संबंध में भी शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग हैं। घर में मांगलिक कार्य का भी योग बन रहा है। आपके घर में शादी, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। परीक्षा अथवा प्रतियोगिता, यदि आप किसी स्कूल अथवा कॉलेज के छात्र एवं छात्रा हैं तो आपके लिए यह वर्ष उत्तम होगा। आपको उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि मिथुन राशि के जातक किसी नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष अर्थात 2023 उत्तम फलदायक है। आपको सफलता प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिख रहा है, लेकिन आपको परिश्रम की आवश्यकता है। आप परिश्रम कीजिए, वर्ष 2023 आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा। आपको कहीं न कहीं पर सफलता अवश्य दिलाएगा। नौकरी अथवा व्यवसाय, वर्ष 2023 में पुरानी व्यावसायिक उधारी वापस दिलाने में किसी प्रभावी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों के शिकायत से परेशानी हो सकती है जो कि किसी और व्यक्ति के प्रभाव से दूर भी होगा। आपको नौकरी में पिछले रुके हुए पदोन्नति का लाभ होगा। यदि आपकी पदोन्नति काफी लंबे समय से रुका हुआ है तो आपको इस वर्ष पदोन्नति का लाभ अवश्य मिलेगा। यदि पदोन्नति में बाधा आ रही है तो मार्च अप्रैल में आपको राहत मिल जाएगी। मार्च अप्रैल के आसपास आपकी पदोन्नति होने की प्रबल संभावना है। यदि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो विपरीत परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे और आप अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को परास्त कर देंगे। भूमि, भवन, मशीनरी की प्राप्ति जून जुलाई से पूर्व हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य साझेदारी में उलझने आ सकती हैं। इस समय आप सतर्क रहिएगा। यदि आप रोजगार के सिलसिले से गृह नगर से बाहर हैं तो घर वापसी का भी योग बन रहा है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वर्ष 2023 आपके लिए कड़ी परीक्षा का समय होगा। आपकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधित कार्यों के लिए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप अपनी कड़ी मेहनत और व्यवहार कुशलता से इस वर्ष इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त करेंगे। यदि आपके साथ कोई कानूनी उलझन चल रही है, आप किसी कानूनी दांव पेच में फंसे हैं तो इस वर्ष वह सब समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। आपको कानूनी तौर से सफलता प्राप्त होगी। धन संपत्ति, वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातकों के धन संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको पदोन्नति प्राप्त होगी।
इसके अलावा वर्षों से चली आ रही आवासीय समस्या का भी समाधान प्राप्त होगा। आपको आपके नए मकान की भी संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा, प्रवास या तबादला, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवास में निकलना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में अपने घर से कहीं बाहर रहते हैं तो इस वर्ष आपको घर वापसी का भी योग बन रहा है। इसके अलावा स्थानांतरण अथवा पदोन्नति के माध्यम से नौकरी क्षेत्र वालों को भी तबादले का सामना करना पड़ेगा। यदि पदोन्नति होता है तो एक स्थान से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। यदि स्थानांतरण होता है तो भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा। कोई धार्मिक कार्य अथवा उपाय, यदि आप वर्ष 2023 में अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको कुछ धार्मिक कार्य अथवा उपाय भी करने होंगे। आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना होगा, माता दुर्गा की आराधना करनी होगी। इसके अलावा आपको फलदार वृक्षों का रोपण भी करना होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2023 के लिए मिथुन राशि की संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह राशिफल आपको पसंद आई होगी। यदि यह राशिफल आपको पसंद आई हो तो सभी मिथुन राशि के जातकों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी अपनी राशिफल प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर कर्क राशि की संपूर्ण राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।